क्लास आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ बार ग्राफ पढ़ेंगे, जिसमें हम जो हमें जो गिवन डाटा है उसको हम पिक्टोरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और इसको बार के फॉर्म में करेंगे। रेक्टेंगुलर बार बनाएंगे जिसमें जो उसकी लेंथ होगी, सारी लेंथ जो होगी इक्वल लेंथ में आएगी, उसकी इक्वल विड्थ आएगी। अब यहाँ पर जिस चीज़ का हम डाटा बना रहे हैं वो चीज़ हम लेते हैं हॉरिजेंटली, और जो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम वर्टिकली शो करते हैं। तो ये जो हॉरिजेंटली लाइन है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो ये वर्टिकली लाइन है उसको हम वाई एक्सिस करते हैं। इसको हम वैसे तो हम इसको ग्राफ पेपर पे शो करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो उसको हम कॉपी में भी शो कर सकते हैं। उसके लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। स्केल से हम क्या करेंगे, सभी का इक्वल डिस्टेंस ले लेंगे। जैसे मैंने ये स्केल रखा है, इसको मैं जैसे ये सेंटीमीटर में मार्क करूँगी, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये है 11, ये 12, ये 13। इस तरह से हम इसमें पॉइंट को मार्क कर लेंगे। उसके बाद उस तरह से हम यहाँ पर भी मार्क करेंगे, जैसे यहाँ पर तो लाइन डली हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इक्वल डिस्टेंस ले लेंगे। इक्वल डिस्टेंस लेने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कितनी जगह चाहिए। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ने पास आउट किया है, इंग्लिश में 80 बच्चे पास हुए हैं, हिंदी में 70, मैथ्स में 75, साइंस में 70 और सोशल साइंस में 60 बच्चे पास हुए हैं। तो मैक्सिमम कितने हैं इसमें, 80, और मिनिमम है इसमें 60। तो हम इसमें ग्राफ बनाएंगे, जो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 10 का होगा। यहाँ पर 10 लिया, ये हो गया 20, इधर हुआ 30, ये हुआ 40, ये हुआ 50, इधर हुआ 60, और ये हुआ 70, और लास्ट ये है 80। इस तरीके से हमें नंबर लिखना है। यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पर हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि ये जो पास आउट है वो उसके उसी का हमें ग्राफ बनाना है, और कौन कौन से सब्जेक्ट है उसको हम नीचे शो करेंगे। इसमें हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ग्राफ बनाएंगे, उससे पहले हम सेम उतना ही डिस्टेंस छोड़ देंगे। तो पहला है हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम है, जिसमें 80 स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, फिर इतना ही ब्रेक छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरा है हिंदी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिंदी आएगा, फिर एक कॉलम छोड़ देंगे जो मैंने मार्क किया था, यहाँ पर आएगा मैथ्स। नेक्स्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा साइंस, और फिर एक छोड़ेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा SST। नीचे इसके लिखेंगे ये सब क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट। अब हम स्केल से इसको सीधा ग्राफ बनाएंगे। उसको ग्राफ बनाने से पहले कई बार क्या होता है, बार ग्राफ की कॉपी में तो सही बनता है, लेकिन इस कॉपी में सही बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर भी इसमें सेम टू सेम जैसे नीचे पॉइंट लगाया है उतने ही डिस्टेंस में ऊपर भी हम पॉइंट लगा देंगे, ताकि हमारा ग्राफ टेढ़ा ना हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सिर्फ पॉइंट को मार्क किया है हमने खाली, और हमने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 4, ये थोड़ा सा ये रहा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसे ज़्यादा हमें चाहिए नहीं। इसको पॉइंट मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर हमें इसका ग्राफ बनाना है। सबसे पहले इंग्लिश में जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो 80 हैं, तो इस ग्राफ को हम इंग्लिश को यहाँ 80 तक लेके जाएंगे। अब देखिए ये पॉइंट भी हमारे पास है और ऊपर वाला पॉइंट भी है, दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो देखो हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और 80 यहाँ पर है। अब हमारा ग्राफ गलत नहीं बनेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। इसी तरीके से इसका पूरा रेक्टेंगल ग्राफ बन जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे।
ये 80 पूरा बन जाएगा, इसको हम मैच कर देंगे। ये इंग्लिश का ग्राफ बन गया है। उसके बाद हिंदी में 70 स्टूडेंट पास हुए हैं, तो ये बीच वाला जो है ये 70 वाला है, इसको यहाँ से हम खींचेंगे। ये देखो दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे और 70 तक लेके जाएंगे। 70 यहाँ पर है, इसको हम यहाँ से लेकर के इसको दोनों को मिला देंगे। उसके बाद है मैथ्स में 75 स्टूडेंट पास हुए हैं। अब देखो ये 70 और 80 के बीच में आ रहा है, तो ये बीच वाली लाइन आ जाएगी। तो इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और इस वाले पॉइंट को भी मिला देंगे और यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक खींचेंगे। बीच वाले पॉइंट हमने सिर्फ अपना ग्राफ सही बनाने के लिए खींचा है, पेंसिल को बार बार नहीं खींचेंगे। बार बार खींचेंगे तो आपका ग्राफ सही नहीं बनेगा। उसके बाद साइंस में है 70 स्टूडेंट्स, फिर से रिपीट हो रहा है साइंस का। तो ये दोनों को हम पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे, उसके बाद 70 तक लेके जाएंगे। ये 70 है, ये देखो ये 70 हो गया। उसके बाद SST में है 60 स्टूडेंट पास हुए हैं। अब ये देखो 60 यहाँ तक है, तो हम इसको यहाँ तक लेके जाएंगे। ये पूरा हमारा ग्राफ बन गया है। अब बीच में ग्राफ को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए हम इसको ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, हल्का हल्का हम ऐसे करेंगे। ऐसे इसमें भी हम ऐसे कर लेंगे ताकि हमारा ग्राफ थोड़ा देखने में अच्छा लगे। सबको हम इसी तरह से फिल कर देंगे। तो इस तरीके से पूरा ग्राफ कंप्लीट होने के बाद आप चाहें तो इसके नंबरिंग ऊपर भी लिख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, ये सामने लिखा हुआ है, ये ग्राफ ये पूरा बना हुआ है। फिर भी अगर आप लिखना चाहें, ये 80 है, ये 70 है, ये 75 है, ये भी 70 है और ये 60 है। अब आप चाहें तो ये जितनी भी डॉट्स डली हुई हैं इसको आप मिटा देंगे, ताकि ये डार्क जो एक्स्ट्रा डॉट्स हैं वो आपको दिखाई ना दे। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट पास आउट, जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो थी उसके किस चीज़ की वैल्यू है वो यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। इस साइड में आप इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर, और नीचे भी यहाँ पर सब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट है वो लिखना ज़रूरी है। तो कंप्लीट इस तरह से ग्राफ आप सुंदर सा देख करके बनाएंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा वी शो द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इन वेरियस ईयर्स, ड्रॉ ए बार ग्राफ। कई सालों की यहाँ पर कंट्री की पॉपुलेशन दी हुई है, 1940 की, 1950 की पॉपुलेशन है, 1960 की पॉपुलेशन है, 70, 80, और ये जो पॉपुलेशन दी हुई है वो मिलियन में दी हुई है। तो इसको हमें ग्राफ में शो करना है, तो हम उसी तरीके से दो लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैल्यूज़ जो होती है वो वर्टिकली आती है, और जिसका हम ग्राफ बना रहे हैं वो हम नीचे लेते हैं। जैसे हम ग्राफ बना रहे हैं ईयर्स का, तो ईयर हम नीचे लेंगे और जो उसकी जो पॉपुलेशन है वो कैसे कैसे बढ़ रही है, कैसे कैसे घट रही है, उसको हम इस साइड में शो करेंगे। उससे पहले हम इसमें भी मार्क करेंगे, उसी तरीके से मार्क करेंगे नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सेम टू सेम ऊपर भी हम इसी तरह से कर लेंगे ताकि ग्राफ बनाना आसान रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। और इस तरीके से अब देखो ये प्लेन शीट है, तो इसमें भी हम मार्क कर सकते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन
इधर से भी हमने इसी तरीके से इसको मार्क कर दिया है। अब हम नीचे यहाँ पर लिखेंगे ईयर और इस साइड हम लिखेंगे पॉपुलेशन इन मिलियंस। अब इसमें देखो 1940 की पॉपुलेशन है 30 मिलियन, फिर है 40 मिलियन, फिर 60 मिलियन, फिर 70 मिलियन, फिर 90 मिलियन। अब ये जो जीरो है तो इसको यहाँ पर नंबरिंग हम करेंगे, ये तो सेंटर वाला तो ज़ीरो होता है, हम 10 का ले लेंगे, ये 10 हो गया, यहाँ से 20, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये है 90, क्योंकि हमें 90 तक ही चाहिए था, ज़्यादा हो तो ऊपर हमारे पास और स्पेस है, हम वहाँ भी ले सकते हैं। तो पहला 1940 का स्पेस जो है 1940 ये हो गया, एक छोड़ देंगे, 1950 फिर है यहाँ पर 1960, फिर यहाँ पर है 1970 और यहाँ पर है 1980। अब 1940 की जो पॉपुलेशन है मिलियंस में है 30 मिलियन, तो यहाँ तक हम 30 तक जाएंगे, ये ले लिया हमने और ये पॉइंट हमने पकड़ लिया है, लेकिन 30 देखो 30 यहाँ पर है, तो ये इसको मार्क करेंगे, ये देखो ये 30 है, इसको यहाँ से भी हम सेम टू सेम ऐसे ही मार्क कर लेंगे और साथ में हम ऊपर वाले पॉइंट का भी यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो ग्राफ है वो टेढ़ा ना बने। अब ये देखो ये बन गया 1940 का, और उसके बाद है 1950 की पॉपुलेशन है 40 मिलियन, अब इसको हम 40 तक लेके जाएंगे, 40 ऊपर से हमें यहाँ दिख रहा है तो ऊपर वाली डॉट को भी हम पकड़ेंगे और नीचे वाली डॉट को भी पकड़ेंगे, और ये डॉट तो हमने यहाँ से देख करके लगाया है, अब इसको यहाँ से लेकर के ऊपर वाले से मिलाया, अब ये ग्राफ बन गया है। उसके बाद 1960 का है पॉपुलेशन 60 मिलियन, तो 60 तक जाएंगे, अब ये यहाँ से हम ये देखो ये थोड़ा सा इधर है, तो अब इसको जस्ट हमने देख लिया है कि कहाँ आ रहा है, तो ये यहाँ तक आ रहा है, तो अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे और ऐसे ही सेम टू सेम ऊपर वाला डॉट और ये नीचे वाला डॉट, और इधर से हम नीचे वाला देखेंगे कि कितना आ रहा है, ये हो गया। उसके बाद 70 है, 70 का पॉपुलेशन जो है 70 मिलियन ही है, तो इसको हम यहाँ से देखो ये लाइन आ रहा है, तो यहाँ पर एक मार्क करके रख लेंगे और फिर हम इसको और इसको ऐसे मिला लेंगे, और फिर सेम टू सेम इसको भी यहाँ से हम ऐसे मिला लेंगे, एक ये हो गया। उसके बाद 80 में जो मिलियन 80 की पॉपुलेशन है 90 मिलियन, ये सबसे ऊपर वाला है, तो ये देखो ये इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ये यहाँ तक आएगा, तो अब हम इस लाइन से इस लाइन को मिला लेंगे और इसको इससे भी मिला लेंगे, इसको हम ऐसे मिला लेंगे, तो ये देखो हमारा पूरा ग्राफ बन चुका है। अब हम उसको थोड़ा सजा सकते हैं, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं कुछ करना है। तो इस तरीके से पूरा ग्राफ बन गया है, साथ में यहाँ पर लिखेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 10 मिलियंस, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये 10 मिलियन है, ये 20 मिलियन है, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये सब नंबर्स जो है मिलियंस में है, और इसमें 1 यूनिट जो है शो कर रहा है पास हुए हैं 10 स्टूडेंट्स को, यहाँ पर 10 जो है यहाँ पर शो कर रहा है कि 10 बच्चे पास हो रहे हैं। तो इस तरीके से ध्यान से आप वैल्यूज़ को आप वर्टिकली लेंगे और जिसका आप डाटा बना रहे हैं उसको आप नीचे शो करके अपना ग्राफ सुंदर तरीके से पेंसिल का यूज़ करके बनाएंगे। क्वेश्चन आप राइट साइड में लिखेंगे और लेफ्ट साइड में आप अपना ग्राफ बनाएंगे।